आजकल देखने में आता है कि बढ़ती उम्र में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे लग जाते हैं। आज से कुछ साल पहले आंखों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन आज आंखों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसका कारण है आज के समय में लैपटॉप और मोबाइल्स का बहुत अधिक यूज होना। नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे शॉपिंग हो, छोटे हो या बड़े हो, सभी लोग लैपटॉप और मोबाइल पर ही डिपेंड हो चुके हैं। बड़े ही नहीं बल्कि आजकल तो छोटे बच्चे भी ऑनलाइन कोचिंग्स के लिए लैपटॉप और फोन पर डिपेंड हो चुके हैं। सिंगल फैमिलीज होने के कारण एंटरटेनमेंट के लिए भी बच्चे लैपटॉप और फोन पर ही डिपेंड रहते हैं। लैपटॉप और फोन का अत्यधिक यूज आंखों की रोशनी कम होने का एक मुख्य कारण है। भोजन में पोषक तत्वों की कमी होना भी आंखों की रोशनी कम होने का एक कारण होता है, लेकिन फोन और लैपटॉप का अत्यधिक प्रयोग करना आंखों को खराब करने के लिए मुख्य कारण होता है। आज मैं आपके साथ आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए दादी नानी के जमाने से चला आ रहा एक बहुत ही असरकारक घरेलू नुस्खा शेयर करूंगी। यदि आपकी आंखों पर अभी हाल ही में चश्मा लगा है तो इस रेमेडी से आपका चश्मा पूरी तरह से छूट जाएगा, लेकिन आपका चश्मा यदि काफ़ी साल पहले लग चुका है तो इस रेमेडी को लगातार एक महीने लेने से आपका नंबर शर्त या कम हो जाएगा। आज की रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1/3 कप बादाम। इसे आप वेट में देखेंगे तो ये 50 ग्राम हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के ही बादाम लें। मामरा क्वालिटी के जो बादाम आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। बादाम में प्रोटीन बहुत होता है, इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ई भी होता है और इसमें विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बादाम आँखों की रोशनी तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये आपके दिमाग को भी तेज करता है। बादाम में जो फाइबर होता है उसकी वजह से पेट भरा भरा लगता है। तो यदि आपका वजन बहुत ज़्यादा है और आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो बादाम को रेगुलर अपनी डाइट में शामिल कीजिए, आपकी बॉडी से फैट कम होने लगेगा। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर ली है 1/4 कप सौंफ। ये हमें मोटी वाली अचार वाली सौंफ लेनी है। मार्केट में एक महीन वाली मीठी सौंफ भी आती है, वो यहाँ पर हमें रेमेडी बनाने के लिए यूज़ नहीं करनी है। सौंफ में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें सोडियम भी बहुत मात्रा में होता है। सौंफ में आयरन भी होता है, इसीलिए इसे रेगुलर खाने से एनीमिया से छुटकारा मिल जाता है। सौंफ में मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। सौंफ जहाँ खाने को पचाती है वहीं ये एक बहुत ही बढ़िया माउथ फ्रेशनर का काम करती है। तभी आपने देखा होगा हमारे भारतवर्ष में खाना खाने के बाद सौंफ खाने की जो प्रथा है वो बरसों पुरानी है। ये रेमेडी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए असरकारक होती है। और फ्रेंड्स, ये जो नुस्खा है ये आज का नहीं, ये सालों पुराना दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद मिर्च। जिस तरह की काली मिर्च आती हैं उसी तरह की मार्केट में ये सफ़ेद मिर्च भी मिलती हैं और ये मिर्च आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। सफ़ेद मिर्चों में इंट्रा इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में होती हैं, जो कि आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए तो रामबाण इलाज है। सफ़ेद मिर्चों में पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जब बॉडी में पोटेशियम की कमी होने लगती है तभी आँखों की रोशनी भी कम होने लगती है। मीठे के लिए मैंने यहाँ पर मिश्री ली है। मिश्री भी मैंने यहाँ पर धागे वाली ली है। धागे वाली जो मिश्री होती है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। मार्केट में आपको एक क्रिस्टल मिश्री भी मिलेगी, लेकिन उसे आप ना लें, आपको इसी तरह की धागे वाली मिश्री लेनी है। ये मिश्री सभी ग्रोसरी स्टोर्स पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इस मिश्री के अंदर धागा होता है, इसीलिए इस मिश्री को छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसके धागे को अलग कर देना है। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 पैन और इसमें ऐड करने हैं ये बादाम। बादाम को यहाँ पर हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। इसे रोस्ट करने के लिए यहाँ पर घी या ऑयल हमें कुछ भी नहीं लेना है। बादाम को बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। बादाम को अच्छी तरह से रोस्ट करने के लिए इसे आप कंटिन्यूसली इसी तरह से स्टिर करते रहें ताकि बादाम सभी साइडों से अच्छी तरह से रोस्ट हो सके। अब इस बादाम को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें क्रैक ना आ जाए। बादाम को रोस्ट करते हुए करीब 4 मिनट हो चुके हैं और अब बादाम में क्रैक्स आ चुके हैं। ये देखिए, बादाम रोस्ट होने के बाद इसमें इसी तरह के क्रैक्स आ जाते हैं। बादाम को इस स्टेज तक रोस्ट करने के बाद अब बादाम के साथ ही हम सौंफ और सफ़ेद मिर्च को भी रोस्ट करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ, इसके साथ ही हम सफ़ेद मिर्च भी ऐड करेंगे। अब बादाम के साथ सौंफ और सफ़ेद मिर्च को
करीब 30 से 35 सेकेंड ही रोस्ट करना है। सौंफ और सफ़ेद मिर्च को बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको यहाँ पर इसलिए रोस्ट किया जाता है ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाए और ये चीज़ें आसानी से ग्राइंड हो सकें। इस रेमेडी को हम लंबे समय के लिए बनाकर रख सकते हैं, इसीलिए इन सभी चीज़ों को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। करीब 30 सेकेंड हो चुके हैं और सौंफ का कलर भी हल्का सा चेंज होने लगा है और इसे बहुत बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब इनको ठंडा करने के लिए हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। सभी चीज़ें जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं, तब इनको ग्राइंड करने के लिए एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इनको ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार करेंगे। इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे मिश्री। मिश्री को हमने छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसके धागे को अलग कर दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर लिया 1/4 कप मिश्री। मिश्री की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यदि इस रेमेडी को आप शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप मिश्री स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए रामबाण औषधि बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये औषधि तो बनकर तैयार हो चुकी है, अब इसे आपको लेना कितनी मात्रा में है, कब लेना है और किसके साथ लेना है, ये सारी चीज़ें भी हम जान लेते हैं। क्योंकि रेमेडी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि उसे सही समय पर सही मात्रा में न लिया जाए तो वो फ़ायदा नहीं करती है। इस रेमेडी को एक बार बनाने के बाद आप किसी भी क्रिस्टल बाउल में स्टोर करके रख सकते हैं। इस रेमेडी को एक बार बनाकर आप 2 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को डेली डेली बनाने का भी कोई झंझट नहीं है। इस रेमेडी की क्वांटिटी बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। यदि इस रेमेडी को आप किसी बड़े व्यक्ति को देना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से जो खाना खाने वाली चम्मच होती है इसे पूरा भरकर दे सकते हैं। लेकिन यदि आप इस रेमेडी को किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो आप उसे इस तरह से आधा चम्मच ही दें। 10-12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको इस रेमेडी को इसी तरह से आधा चम्मच ही देना है और 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं आप उनको पूरा 1 चम्मच भी इस रेमेडी को दे सकते हैं। इस रेमेडी को आप रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं या फिर आप इसे सुबह नाश्ता करने के बाद भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इस रेमेडी को दूध में मिक्स करके भी ले सकते हैं, लेकिन यदि इस तरह से आपको पसंद नहीं है तो आप 1 चम्मच इस पाउडर को ले लें और ऊपर से दूध पी लें। इसे लेना आपके लिए किस तरह से कंफर्टेबल है ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। दूध आप गाय का या भैंस का लो फैट फुल फैट कैसा भी ले सकते हैं। और यदि आप दूध नहीं पीते हैं तो इस रेमेडी को आप हल्के गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। इस रेमेडी को लें आप किसी भी टाइम, लेकिन आपको इसे दिन में एक बार ही लेना है। इस रेमेडी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कि आपके हेल्थ पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो, इसलिए आप इस रेमेडी को बिना डाउट के ले सकते हैं। आँखों की रोशनी यदि काफ़ी समय से कमज़ोर हो चुकी है तो आप इसे लगातार 2 महीने तक लीजिए, लेकिन यदि आँखों की रोशनी की समस्या ज़्यादा पुरानी नहीं है तो 15 दिनों में ही आपको अपनी रोशनी बढ़ती हुई महसूस होने लगेगी। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इस होममेड घरेलू नुस्खे को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और फ़ायदा मिलने के बाद ही आप कमेंट करके बताइए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और यूज़फुल रेमेडी के साथ। गुड बाय।